हेलो एवरी वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी स्टडीबर्ज और मैं हूं अनुभव गुप्ता तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एनआई पुणे के फॉर्म्स आ चुके हैं और इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये है ये कॉलेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने ये सेटअप किया हुआ है so, सो आज की वीडियो के बारे में हम कम्प्लीट डिटेल्स इस कॉलेज के बारे में जानने वाले हैं इनके पीजी प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो वहां पर आपको क्या कैट एम बी ए के मॉक्स एंड वीडियोज मिलते हैं और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो हमारा माई है हैंडल है स्टडी बस एंडर स्कोर एजुकेशन और माई फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस अगर फ्रेंड्स हम बात करें एनआईबीएम पुणे के बारे तो में तो एनआई बी एम पुणे बेसिकली स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट नाइनटीन सिक्सटी नाइन में स्टैब्लिश हुआ था बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसको चला रहा है और इसको इन कंसल्टेशन विद बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एजुकेशन कंसल्टेंसी इन बैंक मैनेजमेंट और इसका मैंडेट है टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल कि ये थिंक टैंक क्रिएट कर सके ऑफ द बैंकिंग सिस्टम तो एनआईएम इज अ पार्ट ऑफ ग्रैंड विजन ऑफ गिविंग न्यू डायरेक्शन टू दी बैंकिंग इंडस्ट्री इन मोर कॉस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट भी ये बनाना चाह रहे हैं अगर कोर्सेज के बारे में बात करें तो बैंक मैनेजमेंट का कॉलेज है प्रोग्राम भी यहाँ पे पीजीडीएम बीएनएफएस होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस अभी क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस टू ईयर पीजीडीएम प्रोग्राम है टू बी डिजाइन टू बी कॉन्टेम्प्रेरी रिग्रेस एंड इनोवेटिव प्रोग्राम है फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस तो फोकस किस पे रहने वाला है बैंकिंग एंड फाइनेंस पे रहने वाला है द कोर्स प्रोवाइड अ थॉरो ग्राउंडिंग इन फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स इम्पार्ट एडवांस ट्रेनिंग ऑन एनालिटिकल स्किल्स एंड बिल्ड अ होलिस्टिक परस्पेक्टिव ऑन दी फिनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री ये सारी इसकी अप्रोच होने वाली है अगर हम कोर्स का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे सिम्युलेशन गेम्स देखने के लिए मिलेंगी कोर फैकल्टी ऑफ अकेडमिशन देखने के लिए मिलेंगे के स्टडी बेस्ड अप्रोच होगी इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होगा एंड हैंड्स ऑन क्लासरूम ट्रेनिंग भी यहाँ पे होगी अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी ये है कि आप मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स केस ऑफ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या इक्विवेलेंट सीजीपीए जो बच्चे फाइनल ईयर में भी अपनी ग्रेजुएशन के वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए लेकिन उनका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है वो कंफर्म तभी होता है जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा जैड का करेगा सी मैट का करेगा जी मैट जी आर ई से भी कर सकते हो और आपको इसका सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा तभी आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल ओके तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको बताया कि ये जेड को एक्सेप्ट करता है तो हमारा जेड का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है आप देख सकते हो इसकी वैलिडिटी सेवंथ जनवरी तक है ये वीडियो कोर्स है जिसको आप किसी भी विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन के अंदर चला सकते हो एक डिवाइस में आप चला सकते हो हंड्रेड आवर्स ऑफ वीडियोज मिलती है फॉर इंट्रैक्टिव ई बुक्स मिलती हैं फाइव फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं ट्वेल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं और इसकी जो फी है वो थर्टी नाइन हंड्रेड रुपीज़ है और आप इसको हमारी वेबसाइट से जाके इसमें एनरोल कर सकते हो सिमिलरली हमारा सीमेंट का भी क्रैश कोर्स आ चुका है इसके अंदर भी आपको वन ट्वेंटी आर्स प्लस वीडियोस मिलती हैं, ट्वेल्व सीमेंट के फुल एंड मॉक्स मिलते हैं फाइव प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और इसकी फीस थ्री नाइन सेवन फाइव है इसको भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर सकते हो अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की होगी ऑन द बेसिस ऑफ दी स्कोर जो कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में होगा जिसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा रिटर्न एबिलिटी टेस्ट या ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट जो कहा जाता है उसके अलावा अकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखी जाएगी वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा यह सब देखा जाएगा ओरल कॉम्युनिकेशन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के अंदर ये जो है फॉर पर्सनल इंटरव्यूज क्या होगा एक टॉपिक दे दिया जाएगा टू दी कैंडिडेट्स उनको बोला जाएगा कि उस टॉपिक पे बोलना है एंड पैनल विल ऑल्सो स्कोर दी कैंडिडेट अगेंस्ट दी एक्स्ट्रा करके मार्क्स देखे जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है कि एंट्रेंस एग्जाम को थर्टी फाइव परसेंट वेटेज है अकेडमिक परफॉर्मेंस को ट्वेंटी फाइव परसेंट वेटेज है और आप देख सकते हो कि टेन परसेंट वेटेज ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट की है एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट वेटेज पर्सनल इंटरव्यू की है एंड फाइव परसेंट वेटेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस की है और ये जो ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट है एंड पर्सनल इंटरव्यू है विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ये इस साल होने वाले हैं उसके बाद अगर फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है और आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो कि ऐसा आपको पेज देखने के लिए मिलेगा आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है जब आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपका पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स डालोगे और आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है तो फ्रेंड्स अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखें तो फॉर्म्स ऑलरेडी इसके आ चुके हैं उसके बाद कैट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है जैड सेवेंथ जनवरी को है लास्ट डेट इस कॉलेज की जो है अभी तक वो ट्वेंटी मार्च टू है इससे पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना होगा और जो सीमेट को भी एक्सेप्ट करेगा वो मार्च या अप्रैल में कंडक्ट होगा अभी सीमैट की डेट नहीं आई है तो जब भी सीमैट की डेट आएगी उससे पहले ही ऑलमोस्ट इस कॉलेज के फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे तो आपको सीमेट से पहले ही इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि जो 2023 से 25 के बैच का है लास्ट ईयर के बारे में हम बात करें तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर की फीस ऑलमोस्ट एट लैक्स है सेकंड ईयर की भी फीस ऑलमोस्ट एट लैक्स है सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्वेल्व थाउजेंड है मेस डिपॉजिट एट थाउजेंड है और टोटल जो फीस है सिक्सटीन लाख रुपीज़ प्लस है पिछले साल की इस साल की जो भी फी होगी वो अपडेटेड फी ये कॉलेज रिलीज़ करेगा और आपको यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन लोन भी के ऑप्शन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा से कैनरा बैंक यूनियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक जो आपको यहां पे लोन प्रोवाइड करेंगे और ये लोन आपको रीपे कब करना होता है जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आपको लोन को रीपे करना स्टार्ट करना होता है अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो बेयर मिनिमम थ्रेश इन्होंने बताया कि इतना तो बेयर मिनिमम है इसके ऊपर ही रहेगी फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी की सेवेंटी फाइव से ऊपर एनसीओबीसी की सिक्सटी फाइव से ऊपर एससी की सिक्सटी से ऊपर एस टी की फिफ्टी से ऊपर पीडब्लू की 50 से ऊपर और ईडब्ल्यू ऊपर इससे ऊपर कहीं पे भी जा सकती है बट इतनी बेयर मिनिमम उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि समर इंटर्नशिप बैच की कैसे रही है तो आप देख सकते हो बैच साइज 131 स्टूडेंट्स का था जिसमें से थर्टी वन फीमेल्स थी, 100 मेल्स थे एवरेज एज ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री इयर्स की थी हाई हाईस्ट टाइपेंट टू लैख फोर्टी थाउजेंड का था एवरेज टाइपन फिफ्टी फाइव थाउजेंड का था अच्छा परफॉर्म कर रहा है कॉलेज टॉप टेन परसेंट का आप एवरेज देख सकते हो ऑलमोस्ट टू लैक्स ,00 के आसपास था टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट का वन लाख ट्वेंटी फाइव 27,000 फिफ्टी परसेंट का टॉप थाउजेंड एट 90,800 का सेवेंटी फाइव थाउजेंड का टेन ओर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आप देख सकते हो मैक्सिमम फ्रेशर्स थे फोर्टी टू परसेंट एक से दो साल वाले थर्टी वन परसेंट बच्चे थे और दो साल से ज्यादा वाले ट्वेंटी सिक्स परसेंट बच्चे थे अगर हम फाइनल प्लेसमेंट्स देखें तो बैच साइज टोटल हंड्रेड एंड ट्वेंटी स्टूडेंट्स का था जिसमें नाइनटी वन मेल्स एंड ट्वेंटी नाइन फीमेल्स थी एवरेज एज ऑलमोस्ट थर्टी ईयर्स एवरेज वर्क एक्स

कॉमर्स से थे एंड थर्टीन परसेंट बच्चे मैनेजमेंट से थे फाइनल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट इस कॉलेज की हुई है हाईएस्ट पैकेज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव का था एवरेज पैकेज फिफ्टीन पॉइंट टू टू का था मीडियम पैकेज फिफ्टीन का था टॉप टेन परसेंट जो एवरेज था उनका ट्वेंटी टू पॉइंट फोर फोर का था टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट का ट्वेंटी वन का था टॉप फिफ्टी परसेंट एवरेज का एटीन पॉइंट टू फाइव का था एंड टॉप सेवेंटी फाइव परसेंट एवरेज का सिक्सटीन पॉइंट ट सेवन था टोटल ट्वेंटी फाइव रिक्रूटर्स जिसमें पीपीओ थर्टी फाइव बच्चों को मिले हैं और आप देख सकते हो सेक्टर वाइज के अंदर फिफ्टी टू परसेंट बच्चे बैंक में गए हैं ट्वेंटी एट परसेंट एनबीएफसी में गए हैं एंड ट्वेंटी परसेंट कंसल्टिंग के अंदर गए हैं तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन एनआईबीएम के बारे में कर ली है अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर जाकर विजिट करके इसका फॉर्म भर सकते हो अगर आप जैड क्रैश को सीमेंट क्रैश को या किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो माई वेबसाइट है यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो ई भी कर सकते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी मैंशन कर सकते हो और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम से जरूर कनेक्ट हो जाना सो लॉट ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू